न्यू अप्सरा ज्वेलर्स अब मंगलवार को भी आपकी सेवा में, आपका विश्वास हमारी पहचान। तो पता याद रखिए, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स परकोटा चौराहा सागर मध्य प्रदेश। सागर जिले में बढ़ते हुए कोरोना मामलों और अनियमितताओं को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डीन से मामले की शिकायत की है। बुधवार को सागर युवा कांग्रेस ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जीएस पटेल को ज्ञापन सौंपा है। आवेदन देते हुए कई सारी समस्याओं से अवगत कराया गया। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अशरफ खान ने बताया कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अनियमितताएं भी सामने आ रही हैं, इन्हें रोका जाए। उन्होंने कहा कि कई बार मरीजों के परिजनों को परेशान भी होना पड़ता है। इसके अलावा जिला सचिव शोएब कुरैशी का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों का जो संचालन है उसे इस तरह किया जाए कि वेटिंग रूम में परिजन वार्ड में भर्ती अपने मरीज को देख सकें। वहीं उन्होंने कहा कि जिन मरीजों की मौत हो जाती है उनके शव के साथ पारदर्शिता भी बरती जाए, क्योंकि कई दफा लापरवाही सामने आई है। इसके अलावा और भी कई मांगे हैं। 19 के संदर्भ में हम लोगों ने डीन के लिए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे जो है सीसीटीवी कैमराज लगाने के लिए और उनका वर्चुअल वीडियो जो है डिस्प्ले देने के लिए, वेटिंग रूम में वीडियोस दिखाने के लिए हमने उनको बोला है। और उनकी और जो मांगे हैं, जैसे हमारा जो संदिग्ध मरीज रहता है उसको सीधा पॉजिटिव मरीजों के साथ भर्ती कर दिया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि उसकी जब तक पॉजिटिव रिपोर्ट ना आए जब तक उसको कहीं अलग वार्ड में रखा जाए, और जब पॉजिटिव आ जाए फिर उसका इलाज जो है पॉजिटिव मरीजों के साथ किया जाए। जी एक मांग और है, जो कि अंतिम संस्कार के लिए उसमें पारदर्शिता बरती जाना चाहिए, जिसमें परिजनों को पता रहे कि ये जो शव है हमारे ही परिजन का है, और उसमें पारदर्शिता होना चाहिए। प्रमुख रूप से जो कोरोना के मरीज हैं, इनके इलाज में जो लापरवाहियां बरती जा रही हैं, लगातार मौतों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, भेदभाव पूर्वक इलाज किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारी प्रमुख मांग है कि जो कोरोना से मृत होने वाले जो मरीज हैं, इनका जो अंतिम संस्कार किया जाता है, इसमें पूरा का पूरा पारदर्शिता बरती जाए, मृतकों के परिजनों को एक सीमित संख्या में ले जाकर उनकी निगरानी में, उनकी उपस्थिति में उनके रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाए। और कोविड वार्ड है, जो कोविड वार्डों में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं वो मूक दर्शक बने हुए हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है। तो हम लोगों ने ये मांग की है कि कोरोना वार्डों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको, उनके डिस्प्ले या कोविड वार्डों के बाहर लगाई जाए, या वेटिंग रूम या कहीं स्थान चिन्हित किया जाए कि जो मरीज के परिजन हैं उनमें भ्रांतियाँ ना फैलें, उन्हें एक विश्वास रहे कि हमारा मरीज स्वस्थ है और इलाज पूरी तरह सही हो रहा है। मौतें हुई हैं, मौतों में जो जानकारी दी जाती है परिजनों को कि आपका मरीज मृत हो गया, कई मामले ऐसे सामने आए हैं कि जानकारी देने के बाद जब वो परिजन आज आ गए बताया कि आपका मरीज नहीं था, अनावश्यक परेशान किए जाने के मामले भी रोके जाएं। और हमारी जो लास्ट मांग है, हमारे ज्ञापन में जो हमने मांग की है कि जब कोई कोरोना संक्रमित को स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिला अस्पताल की या मेडिकल कॉलेज की टीम सैंपल लेने के लिए लेके आती है, तो सीधा का सीधा उसको कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया जाता है। तो हमने मांग की है कि जब तक किसी भी संक्रमित की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ जाती, जब तक मरीज को कोरोना वार्ड में भर्ती ना किया जाए। विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और सभी प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा सागर मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9425172041, 8720042083।